अस्सलामुअलैकुम गाइस, दिस इज़ मोहम्मद अरसान, वेलकम टू एजुकेशनल प्रो। और इस वीडियो में मैं आपके लिए अल्काटेल A30 जो टैबलेट है उसका गेमिंग रिव्यू लेकर आया हूँ। जैसे कि अगर आप मुझे पहले फॉलो कर रहे हो तो मैंने इसकी अनबॉक्सिंग और एंटूटू बेंचमार्किंग वगैरह की वीडियो दी थी। अब जो है मैं आपको गेमिंग वीडियो दूंगा रिव्यू। तो लेफ़्ट साइड पे अगर आप टॉप पे देख रहे हैं, ये SSM, ये तो एक सॉफ्टवेयर का नाम है जो कि डाउनलोड किया गया। उसके बाद रैम और CPU जो बताया जा रहा है, CPU उसमें स्नैपड्रैगन 210 का क्वाड कोर और GPU एंड्रीनो 304 दिया गया, जो कि एक बिलो एवरेज जो है ना आज के ज़माने में 6-7 साल पुराना जो है CPU और GPU है। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये सिंपल एंग्री बर्ड जो है गेम रन की जा रही है, और उस एंग्री बर्ड पे भी अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप्स हो रहे हैं, और जो है ना जो हमारा CPU है वो 95-97% पे नॉर्मल जो है ना वो ऑपरेट कर रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त पीछे जो है हमारा ये जो SSM रैम और SSM CPU का ये मॉनिटरिंग सिस्टम है ये ऑन है, और दूसरा ये जो हमारा मॉनिटरिंग का ये जो हमारा सर स्क्रीन कैप्चरिंग वीडियो जो होती है, वीडियो रिकॉर्डर होता है, वो ऑन है। उस वजह से भी थोड़ा सा परफॉर्मेंस में थोड़ा सा इशू आया हुआ है। आप ये कह सकते हैं कि जितना इस वक्त रिज़ल्ट देख रहे हैं इसे 10% जो है ना हकीकत में ये आपको अच्छा रिज़ल्ट शो करेगा, लेकिन हम इसे ज़्यादा उम्मीद जो है लगा नहीं सकते हम। तो बताने का मकसद सिर्फ यहाँ पर इतना है कि इस वक्त जो है ना ये हमें जो आउटपुट दे रहा है ये सिर्फ 2D गेम्स के लिए ठीक दे रहा है। अगर आप इस पे किसी लिहाज से भी GTA हो जाए या PUBG वगैरह हो जाए, Fortnight जैसी गेम्स हो जाए, या थोड़ी सी भी जो है ना बेहतर गेम, जैसे कि ये मैंने जान के Asphalt 8 या Asphalt 7 की जगह पे Asphalt Nitro जो है वो चूज़ की है, वजह ये ज़रा 50-60 MB की गेम है, हल्की सी 3D गेम है मगर इतनी ये जो हैवी गेम नहीं है। इसको रन करते हुए आप देखते हैं, और वैसे एक बात यह है कि जो ये इस वक्त जो है ना मेरा टैबलेट A30 जो है ये Android 7.1.1 पे ऑपरेट कर रहा है नोगट पे, तो इनकी रैम मैनेजमेंट काफ़ी बेहतर है। गेम हो जाए, कोई सी भी ऐप हो जाए, वो 60-70% सुपर रैम को यूटिलाइज नहीं करता, मगर CPU मैनेजमेंट जो है ये बेहतर नहीं है। इस वक्त अगर आप अभी गेम को देख रहे हो तो आपको पता चलेगा किस तरह की जो है ना यहाँ पर फ्रेम ड्रॉप्स हो रहे हैं। बस वही मैंने कहा था कि पीछे जो है वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, और लेफ़्ट साइड पे आपको मॉनिटरिंग के लिए जो दो चीज़ें नज़र आ रही हैं ये भी थोड़ा सा CPU यूज़ कर रहा है। तो जितनी आपको परफॉर्मेंस नज़र आ रही है इसे 10% बेहतर परफॉर्मेंस हकीकत में आपको मिलेगी। तो बस ये है कि अगर ये टैबलेट जो है आपने सिंपल जो मूवीज़ वॉचिंग के लिए या सिंपल जो आप ये कहते हैं फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप वगैरह के लिए जो लेना है, इंटरटेनमेंट वगैरह के लिए 2D गेम्स खेलनी है, जो लाइट वेट जो हैं 3D गेम जैसे कि ये गेम है, इसके लिहाज से ये ठीक परफॉर्मेंस दे रहा है। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं फ्रेम ड्रॉप्स हो रहे हैं, मेरे ख्याल से ये कोई 20 फ्रेम्स पे जो है ना इस वक्त चल रहा है, 16-17-20 फ्रेम्स पे चल रहा है ये। अगर हम पीछे से सारा को रैम को क्लीन करके सिर्फ और सिर्फ यही गेम को रन करेंगे तो 25 फ्रेम्स पे चला जाएगा, इससे ज़्यादा की जो ये परफॉर्मेंस है नहीं दे सकता है। वैसे भी एंड्रीनो 304 आज से 6-7 ईयर्स ओल्ड जो है ना ग्राफिक कार्ड है प्रोसेसर के साथ लगा हुआ है, मेरे ख्याल से स्नैपड्रैगन कंपनी सॉरी क्वालकॉम कंपनी का जो स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के साथ आने वाला ये पहला GPU था, और जो है ये काफ़ी सालों पुराना, उस वक्त के लिहाज से तो ये काफ़ी बेहतर चीज़ है। मेरे ख्याल से S3 या S4 में इस तरह की परफॉर्मेंस आपको मिलती थी। तो इस तरह अगर आप देख रहे हैं कि गेमिंग में ये लैगिंग तो हो जाती बात नज़र ही आ रही है, फ्रेम ड्रॉप्स आपको नज़र आ रहे हैं। वैसे मेरी गेमिंग परफॉर्मेंस तो काफ़ी बेहतर है क्योंकि मैं ये सवाल जैसी गेम्स काफ़ी देर से खेल रहा हूँ, तो गेम मेरी खेलनी तो खैर आती है लेकिन यहाँ पे ज़रा लैगिंग की वजह से ज़रा देखने में और समझने में ज़रा डिफ़िकल्टी हो रही थी। लैगिंग जो है ना ये कभी कभार ज़्यादा भी शुरू हो जाती है।
खेल ने जी स्टेज क्लियर हुई और मैं फर्स्ट पोजीशन पे आया। बस शो करने का मतलब यही है कि आपको दिखाना कि किस तरह की, अगर आप लेफ़्ट साइड पे जो है उस पर ध्यान दे रहे हो मोनिटरिंग सिस्टम पे, तो मुसलसल जो है रैम 60 to 65% के बीच में रही है और जो प्रोसेसर है वो 90 से ऊपर ही रहा है। आप आइडिया लगा सकते हैं कि सिंपल 60 MB की गेम्स को प्ले करते हुए प्रोसेसर अगर 90 पे रहा है, तो अगर हम पबजी जैसी गेम पे चलाने की कोशिश भी करेंगे तो ये कन्फर्म हैंग हो जाएगा, रिस्टार्ट करना पड़ेगा, इस तरह का मसले मसाइल आ जाएंगे। लास्ट गेम जो है इसको रैम से बाहर निकाल देते ताकि रैम भी फ्री हो जाए। लास्ट गेम जो है, हाँ ये तो यही मोनिटरिंग सिस्टम है, सिंपल सिस्टम मोनिटर है। इसको यूज़ करते हुए आप बैटरी का टेम्परेचर, ये थर्मल पॉइंट के टेम्प देख रहे हैं कि बैटरी का टेम्परेचर ज़्यादा तो नहीं है, बैटरी का टेम्परेचर भी स्टेबल है। लास्ट चीज़ जो है हम GTA जो है ये LCS जो है ये एक्चुअली लिबर्टी सिटी स्टोरीज है, जो GTA 4 की गेम है, GTA 4 है या GTA जो है ना, हाँ लिबर्टी सिटी स्टोरी GTA 4 ही है, उसको एक दफ़ा चला के देख लेते। ये 3D है और इसमें जो है सारा कुछ इस वक्त ये लो में नहीं, ये नॉर्मल में है। अगर ये लो सेटिंग में हो जाए तब तो ये काफ़ी बेहतर चलती है, क्योंकि रॉकस्टार वालों ने अच्छी गेम ज़रा बनाई है, मगर ये नॉर्मल सेटिंग पे जो है परफॉर्मेंस ठीक दे देती है। वो जैसे एक बात है, ये सिंपल सिस्टम मोनिटर और ये जो वीडियो रिकॉर्डर ऑन है, इस वजह से भी जो है ना ग्राफिक कार्ड और रैम वगैरह प्रोसेसर ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जिस तरह की आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस नज़र आएगी उससे 10% जो है ज़्यादा बेहतर आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। मगर मैं आपको एडवाइस करूँगा, अगर आपने गेमिंग टैबलेट लेना है तो उसके लिहाज से बिल्कुल नहीं बना है, आपको इससे बेहतर टैबलेट मिल जाएंगे। मगर प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो देखी जाए तो दराज से मैंने ये जो बाय किया है मुझे 8500 का, यानी 8500 का पड़ा है, उसके लिहाज से ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है। ये आप देख रहे हैं मेरे ख्याल से मैक्सिमम ये क्या 10 फ्रेम्स पे चल रहा होगा, कंट्रोलिंग भी ज़रा मुश्किल हो गई है, इतना ये जो है ना हैंग हो रहा है। और अगर आप देखें अब ये GTA ये जो है लिबर्टी सिटी स्टोरी की वजह से CPU जो है ये मुसलसल थ्रॉटलिंग कर रहा है और जो है 95 से नीचे तो मेरे ख्याल से आ ही नहीं रहा। यही थी हमारी यहाँ पे जो है गेमिंग की परफॉर्मेंस। सो लाइक डिसलाइक, प्रेस द बेल आइकन, सब्सक्राइब शेयर, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा फ्यूचर नोटिफिकेशंस के लिए, ताकि अगर इसी तरह के जो गेमिंग रिव्यूज़ और मेरा जो लेक्चर्स का जो चैनल है उसकी जो लेटेस्ट वीडियोस है आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू वेरी मच देखने के लिए।